एयरपोर्ट की तर्ज से बन रहा तुड़ी संगरूर का रेलवे स्टेशन हर तरह दिया आधुनिक सहूलतों लैस होगा। इन्हां दोवें तुड़ी और संगरूर के रेलवे स्टेशन जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त को शुभ आरंभ करेंगे। ये खुशखबरी इलाका वासियों को भारतीय जनता पार्टी के जिला प्रधान रणदीप सिंह दियोल ने साझी की है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी हलका तुड़ी की समुची लीडरशिप हाजिर रही। सत श्री अकाल जी, जय श्री राम। अज असी खड़े हाँ धूरी के रेलवे स्टेशन से, बड़ी खुशखबरी की गल है, खास करके धूरी के संगरूर के इलाका निवासियों कि धूरी रेलवे स्टेशन का तुम देख सकते हो नवीनीकरण शुरू हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन रेलवे स्टेशन का दोनों के एयरपोर्ट के पैटर्न के उत्ते रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। तो ये नवी खुली पार्किंग बन रही है, इतने लिफ्टां लग रही ने, इतने एग्जीक्यूटिव लॉन्च बन रहे हैं, इतने नवे अति आधुनिक वाशरूम बन रहे हैं, नवे प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, नवी एंट्रियां बन रही ने, क्योंकि ये जेडे दोनों ही रेलवे स्टेशन ने, चाहे धूरी का चाहे संगरूर का, उसके उत्ते एग्जिट ते एंट्री इको ही है। 6 तरीक नूं प्रधानमंत्री मोदी जी इहदा शुभारंभ करनगे, शिलान्यास करनगे, ते उस तों बाद जेडे ये दोनों ही रेलवे स्टेशन ने एयरपोर्ट की तर्ज से जिवें एयरपोर्ट के उत्ते सहूलतां हुंदियां ने, साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, साफ सुथरे वाशरूम, लिफ्टां, क्योंकि पिछे जे धूरी दे विच जे मैं कहां तां धूरी दे विच असीं गए सीगे, सानूं वी मंग पत्र कई जगह तों मिले कि जी जिहड़े बजुर्ग ने उहनां नूं प्लेटफॉर्म ते दूसरे इक प्लेटफॉर्म तों दूसरे प्लेटफॉर्म ते ट्रैवल करन दे विच बहुत वड्डी दिक्कत है। उन्होंने एक मंग पत्र भी दिता सी, ते अज मैं उन्हां नूं भी खुशखबरी दिंदा, क्योंकि वह बजुर्ग सीगे जिहड़े पेंशन ते ने, जिहड़े रिटायर्ड ने लोग, उन्हां दी दिक्कतां भी अज किते ना किते हल हुंदियां नजर आ रहियां ने। ते अज साडी सारी ही टीम भारतीय जनता पार्टी दी धूरी दी ते जो साडे स्टेट लैवल दे अधिकारी ने, वह भी इत्थे मौजूद ने, ते मैं सारयां नूं जिथे मुबारकबाद दिंदा तां उत्थे नाल दी नाल प्रधानमंत्री मोदी जी दा धन्नवाद करदा जिन्होंने साडे इलाके नूं, दोनों रेलवे स्टेशनां नूं संगरूर ते धूरी नूं एड्डी वड्डी सौगात दित्ती है। सारयां वल्लों बहुत बहुत धन्नवाद। तुरी तो नरेश अत्री दे नाल अमित गुप्ता दी रिपोर्ट, युग मार्ग टीवी।